गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के स्टूडेंट्स, मैं ध्यान दिला दूं कि एक बार हमारा कोर्स पूर्ण हो चुका है और मैं आज बहुत ही जल्दी जल्दी एक बार पुनः इस कोर्स के रिवीजन का प्रयास प्रारंभ कर रहा हूं। आशा और अपेक्षा है आप पूरे मन तन धन 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 की, यहाँ तो मैं बोल ही गया, धन की आवश्यकता नहीं है, तन और मन से आप मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोस को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। ठीक है, चलिए। जो मुझे पेपर पढ़ाने को मिला है, सांख्य योग है नाम उसका, और सांख्य योग दर्शन में जो शुरुआत हम करते हैं सांख्य दर्शन की, कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे, ये पहला प्रश्न है हमारा। तो देखिए, भारतीय दार्शनिक परंपरा में अनेक ऋषि महर्षि हुए और उन्होंने गहन चिंतन करके अपना दर्शन दिया। तो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो है महर्षि कपिल। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन दिया। अब महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन देते हुए दो ग्रंथों की रचना की, एक है सांख्य सूत्र और एक है तत्व समास, परंतु दुर्भाग्य से दोनों ही उपलब्ध नहीं है। अब प्रश्न यह है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल द्वारा प्रतिपादित लिखित रचित ग्रंथ उपलब्ध नहीं है तो फिर हमें सांख्य दर्शन की जानकारी कहां से मिलती है? तो इसके लिए ईश्वर कृष्ण, जो सांख्य दर्शन के ही एक परंपरा के एक समर्थक हैं, उनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है सांख्य कारिका, उस पुस्तक से हमें सांख्य दर्शन की जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, भारतीय दर्शन की ये विशेषता है कि यहाँ दर्शन एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि व्यक्ति द्वारा स्टार्ट करने के बाद, प्रारंभ करने के बाद, प्रणेता के रूप में स्थापित करने के बाद एक लंबी परंपरा शिष्यों के रूप में चलती है, जो उस दर्शन को और अधिक शोधित, परिशोधित, परिवर्धित, संशोधित करते हैं। और इसी में जो है नाम आता है सांख्य दर्शन का। तो कालांतर में महर्षि पतंजलि के शिष्यों की जो श्रृंखला चली, उसमें ईश्वर कृष्ण करके एक महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए, जिन्होंने सांख्य कारिका नामक रचना लिखी और उसके आधार पर ही हम सांख्य दर्शन को पढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न यह है कि सांख्य दर्शन का सांख्य नाम क्यों पड़ा? तो इसको लेकर थोड़ा विवाद है, कुछ अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। तो जिसमें पहला मत है वो ये है कि एक मत यह है कि कुछ एक संख्याचार्य, सांख्याचार्य नाम का ही संभवतः कोई व्यक्ति हुआ जिन्होंने दर्शन दिया, परंतु ये मत ज्यादा प्रामाणिक नहीं है। कुछ कहते हैं कि संख्या शब्द से सांख्य बना, क्योंकि सांख्य दर्शन में संख्याओं पर बहुत बात होती है कि दो मूल तत्व हैं और पांच जो है तन मात्राएं हैं, पांच महाभूत है, पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं आदि आदि। और महाभारत में भी कहीं ऐसा जिक्र आया है कि जिसमें 24 संख्याओं की बात की जाए वो सांख्य दर्शन है, जहां तत्वों की संख्या 24 बताई जाए वह सांख्य दर्शन है। परंतु सांख्य का जो सांख्य नाम पड़ा उसका बहुत सबसे सटीक जो उत्तर है वो ये है कि सांख्य सम प्लस ख्या, इन दो शब्दों के मेल से मिलकर बना। सम प्लस ख्या, सम का अर्थ है सम्यक और ख्या का अर्थ है ज्ञान, अर्थात वह दर्शन जो सम्यक ज्ञान पर जोर दे, जो विवेक ज्ञान पर जोर दे, वह सांख्य दर्शन कहलाता है। आगे चलकर अपन देखेंगे कि सांख्य दर्शन किस प्रकार से सम्यक ज्ञान पर जोर देता है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक जो हमारा है वो है कि सांख्य दर्शन का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए, किसी भी सिद्धांत विचारधारा को लेकर हम ये प्रश्न सहजता से पूछ सकते हैं कि ये विचारधारा क्यों दी गई, इसका मकसद क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। तो सांख्य दर्शन का जो प्रयोजन है वह है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। अब ये सम्यक ज्ञान क्यों? क्योंकि सांख्य दर्शन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो स्वीकार करके चलता है कि सर्वत्र दुख ही दुख व्याप्त है, और दुखों को सांख्य दर्शन में तीन भागों में बांटा गया, यानी दुख की जो व्यापकता है उस व्यापकता को आधार मानते हुए सांख्य ने उसको तीन भागों में बांटा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो तीन प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक।
और इन तीनों प्रकार के दुखों से सभी प्राणी प्रतिकूल वेदनीय ढंग से इनका अनुभव करते हैं, प्रताड़ित हैं, और इन तीनों दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा, ये सांख्य दर्शन का प्रयोजन है। कि दुख तीन प्रकार के हैं, ये कहने का अर्थ ये नहीं कि दुख केवल और केवल तीन ही प्रकार के हैं। यहां पर इसका अर्थ यह है कि दुख तो अनेकानेक प्रकार के हैं, परंतु उन अनेकानेक प्रकार के दुखों को मोटे रूप में हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि तीन प्रकार के दुख कौन से हैं। तो सांख्य में जो तीन प्रकार के दुख हैं, मैंने अभी अभी नाम बताया आपको। पहला आध्यात्मिक दुख, दूसरा आधि भौतिक दुख, तीसरा आधि दैविक दुख। ये तीन प्रकार के दुख हैं। तो आध्यात्मिक दुख कौन सा है? इसमें दो प्रकार के दुख माने गए हैं, शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक दुख में क्या है? जो शरीर के कष्ट हैं, जो शरीर के रोग हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि जब वात पित्त और कफ की विषमता, मनुष्य की बॉडी को संतुलित रखने के लिए जो आयुर्वेद का सिद्धांत है उसमें यही कहा गया है कि वात पित्त और कफ का बैलेंस रहना चाहिए। वात पित्त और कफ का जब इनबैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, तो शारीरिक दुख उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और मानसिक दुख दुख कब उत्पन्न होते हैं? जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद आदि के आधार पर अपने इच्छित विषयों की प्राप्ति न हो तो हमें मानसिक दुख उत्पन्न होते हैं। तो तमाम प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुखों को मिलाकर सांख्य दर्शन में नाम दिया गया आध्यात्मिक दुख। समझ में आ रही बात? मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, सिर्फ रिवीजन के निमित्त मैं ये बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार से बात अब नहीं करूंगा। आप पुराने वीडियोज भी देख लीजिएगा, वहां अपनी और चर्चा उपलब्ध है। दूसरे नंबर पे आधि भौतिक दुख। इसके अंतर्गत मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प आदि विषधारी जानवरों से उत्पन्न होने वाले दुखों को रखा जाता है। कि एक मनुष्य को संसार के विभिन्न प्राणियों से जो अनेकानेक प्रकार के और कष्ट मिलते हैं, उन कष्टों को रखा यहां पर आधि भौतिक, यानी भौतिक वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले दुख कह सकते हैं। और तीसरे नंबर पे है आधि दैविक दुख। यक्ष, राक्षस, विघ्नकारी देवता, ग्रह आदि के द्वारा आवेश में आकर प्राणियों को जो दुख दिए जाते हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती है जीवन में, जिनका हम सामान्यतः आसानी से कारण नहीं ढूंढ पाते, जिसमें बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, सुनामी और अन्य जो और चीजें आ जाती हैं अचानक ही, जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं होती, जिसमें मैं तो सोचता हूँ वायरस को भी गिन सकते हैं आप, कोरोना को कि भी फिलहाल जो संकट उसने वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराया है, जिस पर मनुष्य जो है, मनुष्य का जो है अभी कोई पकड़ जिस पर अभी नहीं है, तो ये आदि दैविक दुखों के अंतर्गत आता है। तो ये तीन प्रकार के दुख सांख्य दर्शन में मानेंगे। अब मैं संक्षेप में बात कर रहे हैं अपन, फिलहाल विस्तार से आगे और बात करेंगे कि सांख्य दर्शन में दुख निवृत्ति के लिए दिए गए लौकिक और वैदिक उपायों की आलोचना क्यों की गई। तो सांख्य का लक्ष्य क्या बताया? सांख्य का लक्ष्य और प्रयोजन बताया त्रिविध दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति। कि ये जो तीन प्रकार के दुख है जिनसे मनुष्य प्रताड़ित है या जीव प्रताड़ित है, वो हमेशा हमेशा के लिए इनसे छुटकारा चाहता है, और इसके लिए सांख्य ने उपाय क्या बताया, मार्ग क्या बताया? तो वो है विवेक ज्ञान का मार्ग। जब सांख्य दर्शन में हम सांख्य शब्द का अर्थ ढूंढते हैं तो क्या अर्थ होता है? सम्यक ज्ञान और विवेक ज्ञान। तो इस विवेक ज्ञान के द्वारा ही त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हमें प्राप्त हो सकती है। अब प्रश्न ये था कि विवेक ज्ञान कितना संभव है, प्राप्त करना कितना संभव है? तो ज्यादातर विद्वान और सामान्य व्यक्ति ये मानकर चलते हैं कि विवेक ज्ञान एक बहुत कठिन मार्ग है, सरल मार्ग नहीं है। विवेक ज्ञान क्या होता है? तो देखिए, बंधन क्यों हुआ, दुख क्यों हुआ, तो इसका जो कारण माना गया वो है अज्ञान, अविद्या। तो अविद्या मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जो ये शरीर है ये अपवित्र है, और सांख्य के अनुसार ये प्रकृति का विकार है। प्रकृति जड़ है, भौतिक है, उत्पत्ति और विनाशशील है। प्रकृति नहीं, प्रकृति के विकार उत्पत्ति और विनाशशील है। लेकिन इस शरीर के साथ जुड़ी जो आत्मा है वो निर्विकार है, उसमें कोई कर्ता और भोक्ता का लक्षण नहीं है, वो शुद्ध ज्ञाता है। लेकिन शुद्ध ज्ञाता होने के बावजूद वो जो है कर्ता और भोक्ता का अनुभव करती है, तो परिणाम स्वरूप दुख होते हैं। तो शरीर के होने वाले दुखों को आत्मा अपने ऊपर आरोपित कर लेती है। तो इस दुख निवृत्ति के लिए कि शरीर और आत्मा यानी प्रकृति और पुरुष के बीच का भेद ज्ञान होना जरूरी है,
और ये ज्ञान आसान तो नहीं है, क्योंकि यदि आसान होता तो मेरे फिलोसॉफी पढ़ाने के तत्काल बाद आपको दुख निवृत्ति हो जाती, और मैं चूंकि कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं मुझे मोक्ष मिल जाता या दुख निवृत्ति हो जाती, पर ना मेरे साथ ऐसा हुआ ना आपके साथ ऐसा होने वाला है। कारण कि जो वास्तव में जो विवेक ज्ञान है वैसा करने के लिए पूरा जीवन लगा देने की आवश्यकता है, और उसको बहुत ही ढंग से ठीक ढंग से अंतरतम गहराइयों से समझने की आवश्यकता है। पूरा जीवन का एक क्षण फिर उसके अनुसार आचरित होना चाहिए, जो नहीं हो रहा तो बहुत कठिन माने जाने के कारण कुछ लोगों ने कहा कि सांख्य द्वारा प्रतिपादित मार्ग कठिन है तो लौकिक और वैदिक उपाय दिए। परंतु सांख्य दर्शन लौकिक और वैदिक उपायों को केवल एक कारण से, मैं आगे जाके विस्तार से बताऊंगा और दोबारा, कि इन लौकिक और वैदिक उपायों से, इन त्रिविध दुखों से अत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति नहीं मिलती, इसलिए इनको उन्होंने उचित नहीं माना। तो सांख्य द्वारा प्रतिपादित मार्ग यद्यपि कठिन है, कठिन होते हुए भी सांख्य ने कहा यही सर्वोत्तम मार्ग है, क्योंकि हमें दुखों से हमेशा हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा चाहिए। तो अब देखेंगे आगे चलकर कि तीन दुखों के लौकिक और वैदिक उपाय कौन से हैं, सांख्य ने उनमें क्या खामियां निकाली, और सांख्य द्वारा दिया गया मार्ग विवेक ज्ञान का मार्ग ही क्यों श्रेष्ठ है। चलिए मैं आगे फिर कल लेकर एक वीडियो उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।